पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। प्रताप जी ने कोई बलिदान बलिदान की मूरत नहीं है, उन्होंने जान मुझ के बस वृक्ष की पत्तियां खाई हैं ताकि जब तुम उन्हें इस गई गुजरी हालत में देखो ना तो तुम्हें लगे कि तुम्हें और शौर्य को खोने के डर से उनकी ये हालत हुई है और तुम मेरे साथ जाने के फैसले को बदल दो। सुबह भी उन्होंने तुम्हें शतरंज की बाजी पे दाव पर लगा दिया था, उन्होंने कहा था कि जो बाजी जीता वो तुम्हें जीता। हमारे बीच जो दूरियां ला रहा है, गलत फहमी फैला रहा है, उसका सच सामने लाए बिना नहीं जाऊंगा। हम विनती करते हैं आप इस विषय पे उनसे बात ना कीजिएगा। महाराज, बात पे बात बढ़ गई है तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि बात हाथ से निकल जाए। रानी सा, ध्रुव ने हमें सच बताया था, हमने नहीं माना, परंतु वो सही थे, आपने ही सब किया। केवल ध्रुव को अपराधी सिद्ध करने के लिए आपने स्वयं इतना बड़ा अपराध किया महाराज। क्यों इतना क्रोध, इतनी घृणा, कितना घातक विष चुना आपने और आपके प्राण जोखिम में डाल दिए। ये सब केवल इसलिए कि ध्रुव हमारे मन से गिर जाए। क्यों दिया इतना बड़ा धोखा हमें? जिस व्यक्ति ने अपनी भूख प्यास निद्रा सब भुलाकर इसका ध्यान रखा, इस बच्चे को माता पिता दोनों का प्रेम दिया, हम विश्वास नहीं कर पा रहे। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए अपना हाथ कटवा लिया, उसी व्यक्ति ने हमारे भरोसे का गला काट दिया। जिस व्यक्ति को हमने मानता कि उच्च शमशान पर बिठाया, उस व्यक्ति ने इतना गहरा गड्ढा खोदा। हमने हर क्षण हर परिस्थिति आपका साथ दिया क्योंकि आप हमारे लिए सच्चाई की मूरत थे। अब बदल गए महाराज, परंतु हमारे आदर्श ने हम अब भी सच का ही साथ देंगे।
सावधान, सभी दरबारियों को सूचित किया जाता है कि महाराज के अपराधी को सजा सुनाने की घोषणा का समय आ गया है। तीन पहर का समय बीत गया। हमने रानी सा को आपके निर्दोष होने का प्रमाण लाने के लिए कहा था, अभी तक रानी सा आई कोनी, कट्ठे रह गई रानी सा, रात हो चुकी है। पता नहीं तारा को सच पता चला होगा या नहीं, तारा सच तक पहुंची होगी या नहीं। कहां है अब तारा? देर की तो बहुत देर हो जाएगी। पता नहीं ध्रुव के निर्दोष होने का प्रमाण मिला कि नहीं। उनकी अनुपस्थिति ये सिद्ध करती है कि उनके पास ध्रुव को निर्दोष साबित करने के लिए प्रमाण कोनी है। आरोपी ध्रुव को देवगढ़ के हुकुम सा सूर्य प्रताप सिंह पर प्राणघात हमले का अपराधी मानते हुए मृत्यु। रुक जाइए भाबोसा। तारू बता दीजिए उनको कि आपको ध्रुव के निर्दोष होने का प्रमाण मिल गया है। प्रमाण कोनी मिला इन्हें? आरोपी ध्रुव को इसी क्षण प्रमाण है हमारे पास। प्रमाण है और ध्रुव निर्दोष है। यदि ये निर्दोष है तो प्रताप बणा पर प्राणघात हमला किसने किया? कौन है दोषी? बताइए रानी सा, बताइए कौन है? बोलिए रानी सा, आप चुप क्यों है? यदि ये निर्दोष है प्रताप बणा का दोषी कौन है? बताएंगे भाबूसा, परंतु इस भरे दरबार में नहीं, केवल आपको बताना चाहते हैं एकांत में। अभी सा एकांत में कई बताएंगे, कहीं सच तो पता कोनी चल गया। सच के प्रकाश को एकांत कक्ष में क्यों बंद कराना चाहती है आप? यहां भरे दरबार में सबके सामने बताइए। क्योंकि कभी कभी किसी सच का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि आंखें चौंध दिया जाती है। इसलिए कक्ष के बंद द्वार तक ही सीमित रखना उचित होगा। बाबू साहब, आगे की बात हम एकांत में करें, उसी में राज्य का हित है, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं। राज्य का हित जरूर बापी सा कुछ जानती हैं। सब यही दरबार में प्रतीक्षा करेंगे, हम रानी सा से एकांत में बात करेंगे और इस सच का षड्यंत्र पता लगाएंगे। चले रानी सा।
चल गया है कि इस सबके पीछे सूर्य प्रताप है। उनका नाम ना खराब हो इसलिए तारा सबके सामने उनका नाम नहीं ले रही। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।